file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the eight directions symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. अब मैं निवेदन करता हूं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केरला श्री पिनराई विजयन, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्वानंद जी सोनवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर एमएस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री मधुयश नायर सीएमडी सीएसएल, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमिश्निंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमृतकाल के प्रारंभ में आईएनएस विक्रांत की कमिशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमिशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनइंटरप्टेड मैरिटाइम ट्रेड के संचालन के लिए भारत के मैरिटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर रखना इंडियन नेवी की सिग्निफिकेंट रिस्पांसिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी के एग्जीक्यूशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है।
भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग से नौसेना की कैपेबिलिटी में और अधिक वृद्धि होगी। मित्रों, आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग इस बात की पुष्टि है कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा प्रयास कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि समस्त क्षेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेस किए हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किए हैं। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके साथ इस वर्ष कैपिटल एक्विजिशन बजट का 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया जाना, आर्म फोर्सेस और डीपीएसयू द्वारा इम्पोर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए 3-3 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर उठाए गए ये हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारा मिशन केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड है। यह है पिछले वर्ष में हुए $400 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट इसके प्रमाण हैं। हम जैसे जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से मैरिटाइम रूट से होगा। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी हो अथवा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों ही दृष्टियों से यह आईएनएस विक्रांत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लिए यह कमीशनिंग एक आश्वासन भी है कि हम हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हम एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से गाइडेड है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इंडियन नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की सराहना करता हूं। साथ ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त कर्मयोगियों की भी मैं प्रशंसा करता हूं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार और उनकी पूरी टीम की विक्रांत की कमिश्निंग में फोकस्ड एफर्ट्स के लिए मैं सराहना करता हूं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी लीडरशिप और डायरेक्शन के चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम भविष्य में निरंतर आपके गाइडेंस की आशा करते हैं। मैं आईएनएस विक्रांत के कैप्टन और